तो वापस जाके फिर कार्रवाई चालू। आई नो आ जाओ ये दो तो ज्यादा हो जाएगी बात। नहीं भाई आपके बच्चे बड़े हो गए, मेरा छोटा है। क्या बात है ना सर, शूट करके मेरे घर भी जाना है जी। गोला वनीला है साथ में, बड़ा गोला। जब आप मुंबई में रहके अपने कल्चर की हेरिटेज को फील करते हैं, योर सच मींस दिस साफ्रा इज ब्यूटीफुली। मैं सच्ची बताऊं, मैं जब आ रही थी ना और मैंने गेट पे मैं जैसी गाड़ी मेरी एंट्री देखी, इतने सारे पंजाबी, इतने सारे सरदार देखे, मुझे ऐसे लगा मैं अमृतसर आ गई हूँ। और इतना अच्छा फील हुआ ना, और मतलब पंजाबियों की हाइट तो आपको पता है किसी से छुपाने से छुपती नहीं, मतलब इतनी अच्छी हाइट और इतने सारे पंजाबी, मुझे सच्ची ऐसा लगा मेरी पंजाबी निकली जाती है, निकल जाए ना फिर मुझे, मैनू ऐदा लगता है कि मैं पंजाब से हाँ। बस मुझे पता आप इनको समझ नहीं आ रहा ऐसे देख रहे हैं, पर मैं दिल से बोल रही हूँ कि मैनू इन्ना वधिया लगता पाया ना। हाँ थोड़ा बिजी सी इस करके फटाफट आए, फटाफट जाना है, बट कहते ना कि जो मौका मिले पंजाबी इकट्ठे हो तो वो जाना चाहिए। कितना इंतजार रहता है इस अवार्ड शो का, बैसाखी का? बिल्कुल पूरा रहता है जी, बैसाखी का तो पूरे देश को रहता है, क्योंकि फसलें कटती हैं तभी तो खाना मिलेगा सबको। और आज मैं आ रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी पता नहीं अवार्ड अभी मिले मिला नहीं है, ख़त्म ना हो गए हो। बड़ा मान है, बड़ा नाज है भारतीय जी पे कि इन्होंने एक छोटी सी जगह से, छोटे परिवार से शुरू होकर के और अपना भी कीर्तिमान हासिल किया, और पंजाबी कम्युनिटी इज रियली प्राउड ऑफ देम फॉर हर अचीवमेंट। और जिस तरह से इन्होंने पंजाबियत का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया, तो हमको ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी बहन इसी तरह से छाई रहे। यस, और मुझे बड़ा प्राउड होता है, और मैं बड़े मान के साथ बोल सकती हूँ कि मैं अमृतसर से हूँ, जहाँ पे गुरु की नगरी कहा जाता है, जिस शहर को, जहाँ हरिमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल है। मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था और मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मैं बड़ी लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ। आप देख लीजिए, कोई भी पंजाब से पंजाबी आया है बॉम्बे में अभी कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि पंजाबी इतने मेहनती और खुश दिल होते हैं ना कि मतलब आलू की तरह होते हैं, हर किसी में रच जाते हैं, आलू मटर, आलू पनीर, हर किसी में, तो आलू जैसी ही। चलो जी, थैंक यू। पतली हो गई, क्या बात है? बस आपका जब बेबी होगा तब आप भी पता चल जाएगा, पर अच्छी बात है ना यार, गोला तो अभी जो हाल कर रहा है ना, उसके पीछे के दांत आ रहे हैं, अभी ये चीज़ पकड़ो तो उधर, मतलब अभी बंदर जैसा हाल हो गया, ऐसे 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 मेरी गर्दन ही ऐसे घूमती रहती है। बट इसीलिए मैं थोड़ा शूट कम करती हूँ, डांस दीवाने कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइम बच्चे के साथ रहना है, मतलब ये ना हो कि जब नैनी जाए घर अपने तो वो बच्चे की यादें वो बताएगी, मैं क्या बताऊँगी, तो मैं बताने के लिए, इसीलिए आप देखते हैं डेली ब्लॉग, आप देखते ही हैं कैसा होता है। ज़्यादा आपके साथ रहता है कि नैनी के साथ? मेरे साथ, भाई मेरे दिल को दुखा रहे। नहीं नहीं मेरे साथ रहता है, अभी भी मैं रास्ते में भी लोगों के बच्चे देखती आती है, और जब आपका बच्चा हो जाता है ना तो आपको लगता है कोई रोया तो अपना बच्चा रोया। मैं नहाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि रो रहा है, मैं नल बंद करके सुनती रहती, मेरे को ऐसा लगता है मैं पागल तो नहीं होगी, बट मैं जिससे भी बोलती हूँ कहते नहीं, हर माँ का यही हाल होता है, तो मैं पागल नहीं हुई, मैं ठीक हूँ। क्या टिप्स दोगे पतला होने, क्या टिप्स दोगे दर्शकों को? टिप्स यही देंगे कि बस शादी के बाद बेबी कर लीजिए, अगर आप होते हैं तो आप पतले हो जाएंगे, और फिट रहिए, क्योंकि कोविड के बाद से मैं फिट हुई हूँ, आपको लगा नहीं 2 साल लगे भाई, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी और सांस वांस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो तब मैंने कहा कि नहीं भाई सांस नहीं अभी जानी चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा खाने पे कंट्रोल किया है। गोले का गोली देखा ना आपने? गोले का गोली डांस दीवाने में? हाँ दीपनीता, हाँ जी हाँ जी, कल डांस दीवाने का ही शूट है, इसलिए मैं खड़ी हो गई, आप तो रात भर सवाल पूछते रहो। थैंक यू जी। देखिए, जल्दी करो।
मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बधाइयाँ एंड प्राउड फील होता है मैं चरण सिंह साबरा जी के प्रोग्राम में आती हूँ बिकॉज हर साल इतने सालों से मुंबई में उन्होंने ये कल्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है जिससे हमारे बच्चों में अच्छी हैबिट्स अच्छा कल्चर इनकलकेट होता है दैट वो सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी बैसाखी विदाउट फेल एंड कोविड के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की बट मैं कहना चाहूँगी कि एक जीएस बाबा जी और चरण सिंह सबरा जी हैं जिन्होंने ये मेंटेन किया कि हमारे पंजाबी कल्चर को कहीं भी पीछे नहीं रहने देना और ऐसे ही त्यौहार मनाते रहना है सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पंजाबी आइकन अवार्ड्स ऑल्सो बिकॉज काफ़ी अच्छी अच्छी हस्तियाँ यहाँ पे आने वाली हैं और पहुँचने वाले हैं सारे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मेरी खुद की फ्रेंड भारती भी आ रही है सो आई एम एक्साइटेड टू मीट हर ऑल्सो बहुत ब्यूटीफुल एंकर है हमारे पास सतीन्द्र सत्ती जी जो पंजाब से आई हैं सो सुपर एक्साइटेड टू वेलकम एवरीबॉडी एंड एन्जॉय द फेस्टिवल पंजाबी आइकन अवार्ड्स पिछले 12 सालों तो असं ये सारे अवार्ड फंक्शन इतने कर रहे हैं एंड इट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द पर्सनैलिटीज फ्रॉम पंजाब द पंजाबियत एंड द अदर पीपल हू हैव बीन इंस्पायरिंग द पंजाबी कम्युनिटी दे हैव इंस्पायर्ड अस ऑल्सो एंड वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी एवरी ईयर 12 ईयर्स हो गए हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम जो नई जनरेशन है उसको हम प्रेरणा देते रहें थ्रू दीज पंजाबी आइकॉन अवार्ड्स एंड लेट्स सेलिब्रेट बैसाखी with pump and show. We've also seen over the years now there are a lot of youngsters you've compelled and you've motivated for them to be a part of the event which is a very very good news you know for all the Punjabis. What is the response that you get when you discuss amongst you know family, friends, their children? देखिए नौजवान जो है youngster जो है वो इस देश की नींव है इस देश की प्रेरणा है तो इसीलिए नौजवानों को गाइड भी करना है और इंस्पायर भी करना है और उसी लक्ष्य के साथ हम ये पंजाबी आइकॉन अवार्ड्स बैसाखी के पर्व पर हम ये हर साल मनाते हैं चीफ मार्शल भी ही इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इन पंजाबी कल्चर यू नो व्हाट वुड यू लाइक टू से सिख कौम के बहुत सारे सितारे हैं जिन्होंने पंजाब पंजाबियत का नाम रोशन किया है देश का नाम रोशन किया है उसी में से एक एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड वी एस धनोआ साहब हैं वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और उन्होंने ही बहुत सारी प्रेरणा दी है इस साल के कार्यक्रम के लिए इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो आइकॉन अवार्ड विनर्स हैं वो भी देश और विदेश से परमिंदर भाटिया जो यूएस से अमेरिका से यहाँ पर आए हैं और 32 साल का यंगस्टर जो जीई हेल्थ केयर सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो चीफ है तो ऐसे लोग पूरे देश और विश्व में है पंजाबी जो पंजाबियत का नाम रोशन करते हैं महाराष्ट्र में खासकर सभी वुड लाइक टू नो हाउ मच रिस्पांस फ्रॉम यू नो फ्रॉम द कम्युनिटी दैट यू गेट द सपोर्ट आई एम श्योर इट्स चैलेंजिंग ओवर द इयर्स टू स्पियरहेडिंग इट ऑन योर ओन एंड ब्रिंगिंग सच अ वंडरफुल चेंज बिल्कुल हर चीज हर काम चैलेंजिंग होता है और चैलेंज एक्सेप्ट करना ये सिखों की पंजाबियों की पंजाबियत कही जाती है हर पंजाबी ने जो पंजाब से कहीं भी गया है देश में या विदेश में उसने मेहनत की है और मेहनत करके उसने कीर्तिमान हासिल किया है थैंक यू थैंक यू Wait.
हाँ बोल अरुण 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 सप्रा जी आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स एंड ही इज ऑलवेज व्हाट एवर ही इज डन इट विद टोटल डेडिकेशन एंड कन्विक्शन. तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार उन्होंने बहुत कॉन्सेंट्रेट करके जोश में किया है. ये हमेशा जो भी काम करते हैं ऐसे ही करते हैं एंड ही डज इट टू द फुलेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और आप सबको बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं. आई एम बॉर्न इन अमृतसर बट मेरी माँ ने मुझे वहाँ जन्म दिया और 15 दिन के बाद मुंबई में आ गया. मैं मराठा दादा हूँ और पंजाबी कम हूँ. मैं मराठी अच्छी बोलता हूँ पंजाबी अच्छी तरह नहीं बोलता. एवरीबडी इन दिस कंट्री इज वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यू ऑल हैव मेड अ नेम. पंजाबी कम्युनिटी इज वेरी हाईली रिगार्डेड by all the other communities in this country. Of course, all the communities are great, but being a Punjabi, we like to speak more about Punjabis. I am very happy to be a Punjabi. And by birth, I am in Punjabi, but by vocation, I am Maharashtra. Mera janam sthan Punjab hai, aur karam sthan Maharashtra. Thank you. Sir, this guy. Yes, sir. Culture and heritage of the job, and every year, four decades, he's been
First of all, I would like to thank sir for inviting me for this occasion. It's such a pleasure to be here. When my friend Dr. Professor Shetty called me first time that you have to come on 14th, there is a Punjabi Biradari and we are going to honor. So I was a bit taken aback. I said, "Mujhe honor, mujhe milega ya mujhe honor karna hai kisi ko?" Because 20-25 saal ho gaye retired ho jaane ke baad. Then he said that we have to honor you. Punjabi Biradari is going to honor. It's such a pride moment for us. That Punjabi Biradari, 20 saal ke baad bhi mujhe yaad kiya, 25 saal ke baad bhi yaad kiya. Such a great honor and great feeling for me. Not so much because I'm born and brought up in Baroda, but I played in Bombay for 10 years. I was working here. I was playing my cricket for 10 years in Bombay. Yes, my father came after partition and then we settled in Baroda. So whatever small group we had, I was practicing, I was focusing on my cricketing career. So jo thoda bahut mauka milta tha Punjabiyon ke saath milne ka, Baroda mein bhi hamara aisa ek culture heritage hai. मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टार हैं ये कह रहे हैं कि भाई बहुत साल हो गए रिटायर हो गए, बट यू विल नेवर बी रिटायर्ड, लेट मी से दैट. थैंक यू. आप हमारे दिलों में बसते हैं. आपने इस कॉम का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है. थैंक यू ऑलवेज. थैंक यू. I'm just overwhelmed and excited to be here today. As always, बहुत ज़्यादा pride feeling होती है to be his wife, जिन्होंने इतना अच्छा खेला है, इंडिया को represent किया है, और आज बहुत बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके. And I would like to wish everyone happy Baisakhi. Thank you. और हमारे पंजाबी हर किस्म हर field में हम आगे, खास करके border पे, जो हमारे पंजाबी भाइयों को जो इतनी मेहनत करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं. और ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों फ्रेंड्स इतने वर्षों बाद स्कूलों के बाद मिल रहे हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. जस्ट वांट पिक्चर टुगेदर. बैसाखी देखी है हमारे घर में, लोहड़ी हमेशा चलती है, बैसाखी में हम द क्लब में होती है, आज मुकेश पटेल जी के हॉल में हो रही है,
तो इट्स वेरी वंडरफुल. थैंक यू. लव यू. लव यू. हाउ आर यू? थैंक यू सर. सर वन सेकंड सर. वन सेकंड. थैंक यू सर. हाउ आर यू? तुसार भाई सेंटर. या रोली. हाँ रोली. Proud to be a part of the Vaisakhi Di Raat function, and was very thrilled to be invited. So having been a part of the industry for the past 24 years, and very proud Punjabi, because I think Punjabi culture is very ingrained in our Bollywood movies, and the audience is also, there are Punjabi audiences make a large part of the viewership. So I feel very, very happy that I have made my own little contribution to the entertainment world as a proud Punjabi, and to be recognized in that regard makes me feel very, very happy. What do you have to say to Mrs. Sapra for looking the torchbearer for many, many years? Congratulations to him for being the torchbearer for so many years, and wish him all the best, many, many more milestones to come. Thank you. आइए सोनू भाई. सोनू जी आप कैसे हैं? हाय हाउ आर यू? बस गुड गुड. आइए सोनू भाई साथ में. थोड़ा इधर आ जाइए सर. थोड़ा शिफ्ट हो जाए ना सर. थोड़ा शिफ्ट हो जाइए. थैंक यू. ज़्यादा नहीं खाली दो ही क्वेश्चन पूछो नीचे. रेडी रोलिंग. हाँ रोलिंग है. सर आई एम श्योर यू आर पंजाबी लाइक ऑल ऑफ अस. व्हाट डू यू हैव टू से द सिटी शेड ऑफ सरप्राइज. पाजी तो हमेशा ही पंजाब को एकदम ऑन टोस रखते हैं. बॉम्बे में कभी महसूस ही नहीं होता कि पूरा पंजाब में नहीं है, और भाई से जो भी मिलते हैं ऐसा लगता है कि वापस पंजाब पहुंच गए. और जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो हम पंजाब को मिस नहीं करते. भी पाजी से रहते हैं. वेरी थैंकफुल सोनू जी, जो अपने आप में इन्होंने हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मोगे से उठ करके मुंबई और मुंबई से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया. एंटायर पंजाबी कम्युनिटी इज प्राउड ऑफ हिम एंड द वे ही हैज वर्क ड्यूरिंग कोविड. मेरे ख्याल से पूरे विश्व के अंदर लोग सोनू जी को दुआएं देते हैं, और हम भी दुआएं देते हैं. हम चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े और सेवा करें. थैंक यू जी. गॉड ब्लेस यू. यहाँ सर सामने. यहाँ यहाँ सर. यहाँ पे सर. इधर कपड़ा खिड़क सर. नजदीक ले लो चेयर दोनों. Ready? Ready.
विसाखी हो और मीत ब्रदर्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. हाउ डज इट फील फर्स्टली टू बी अ पंजाबी एंड यू नो टेकिंग द नेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? वो भी आप सांप्रज इज ऑल्सो हियर. सबको विसाखी की बहुत बधाई. और विसाखी में हर साल हमारे शो होते हैं विच इज मोस्टली ऑल ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड ऑल्सो. वेरी वेली बॉम्बे परफॉर्म करने का मौका मिलता है. टुडे परफॉर्मिंग हियर फॉर द फॉलोइंग पीपल ऑल पंजाबीज फ्रॉम मुंबई आज पंजाबी आइकन अवार्ड जाए थे दे वी आर फीलिंग वेरी प्रिवलेज. दिस इज लाइक एन अवार्ड फॉर अस ऑल्सो. थैंक यू सपना जी एंड द एंटायर टीम एंड बाबा अंकल एंड एवरी वन दे आर ब्रिलियंट एसोसिएट्स टीम्स. सो बॉम्बे कट पंजाबी ने बट बड़े स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है. वी वेरी हैप्पी, वी लाइक वन बिग फैमिली. एंड बैसाखी से बेटर दिन क्या हो सकता है? इट्स बिगर देन यू नो न्यू ईयर्स एंड बिगर देन दिवाली फॉर अस. इट्स अ बिग ओकेजन. ये सारे रल के पकड़ा पावोगे, बोलना पावोगे. दे वी आर गोना हैव अ नाइस नाइट. वी विल हैव अ बिग नाइट टुनाइट. यू डू शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज फॉर मेनी फ्रॉम देयर कम्युनिटी. डज इट फील डिफरेंट? डज इट साउंड डिफरेंट? टेल अस अबाउट दैट. या वी हैव लॉट ऑफ नोन पीपल कमिंग हियर टुडे. आवर फैमिली, आवर फैमिली इज हियर, माय मदर एंड एवरीवन. सो फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम कि इन्होंने बहुत यानी हमारी कम्युनिटी के ये पॉपुलर फेस है और एक पॉपुलर ब्रांड है जिन्होंने खुद मेहनत करके इन्होंने अपने कीर्तिमान हासिल किए हैं. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ. और इसी तरह से गुरु महाराज आपकी मदद करते रहे, यही आज कह सकता हूँ. एंड दिस इज गोइंग टू बी इवेंटफुल डे फॉर बोथ द ब्रदर्स. और बैसाखी हम एंजॉय करें. सर एक गाना गुनगुनाए, कोई एक लाइन बैसाखी पे डेडिकेट करेंगे आप? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल न सोने दी, ओ बेबी डॉल न सोने दी. थैंक यू सर. थैंक यू. गुड बाय. नाम तो इवेंट पूरा नहीं होता. को भी अवार्ड दे दीजिए कि
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਮੋਗੇ ਫਿਰ ਸਬਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਬਣਾ ਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੰਬੇ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਆਲ ਦਾ ਲਵ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਕਭੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਲਮ ਮੇਂ ਦੁਆਓਂ ਕੀ ਸਿਆਹੀ ਡਾਲ ਲੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੰਨੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਪਰ ਲਿਖਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਨਾਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ शुक्रिया पंजाबी समझ में तो आती है लेकिन बोलने में इतनी गलतियां कर लूँगा तो आई रादर स्टिक टू हिंदी लेकिन बहुत खुशी हो रही है पहली बार एज अ पंजाबी रिकग्नाइज किया जा रहा है तो उसके लिए इट्स लाइक अ डबल वैमी फॉर मी और आई डोंट नो इफ आई कैन बी कॉल्ड एन आइकॉन क्योंकि मेरे फैमिली में जिनकी वजह से मैं फिल्मों में आया माई डैड उन्होंने तो 200 से ज़्यादा फिल्में की थी 220 फिल्म्स और मैंने अभी तक सिर्फ 40 फिल्में की है फिर भी रिकग्नाइज किया जा रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है थैंक यू सो मच सप्रा जी आपका भी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो एनकरेजिंग आपकी वजह से बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है हम सबको ऐसा लग ही रहा है कि हम अवार्ड फंक्शन में बैठे क्योंकि वैसे तो अवार्ड फंक्शन इतनी पसंद नहीं आती हमें लेकिन आज कुछ अलग सही लग रहा है Thank you so much and very proud very very grateful aur bhi aana hai idhar I hope aap sab ka aashirwad rahega to bar bar aane ka mauka milega thank you so much first of all let me thank you a lot for calling me here and giving me this award out here and sab to badi gal ye hai cultural heritage board hai ki it maintains and showcases the Punjabi culture in the city of Mumbai and the state of Maharashtra. The Punjabis